अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो है अददों का छोटा बड़ापन। छोटा बड़ा जिसके लिए हम निशानी लगाते हैं ऐसी और ऐसी। और बच्चों को मैं समझाने के लिए बहुत सालों से इस छोटे बड़े की अलामत के लिए मैंने उनको बताया कि अगर हमको बड़े की अलामत लगाना है या छोटे की अलामत लगाना है तो ये दोनों अलामतों इस्तेमाल करने के लिए तरीका है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 बड़ा है तो ये बड़े की अलामत आएगी। मछली का मुंह यहाँ खुलेगा, मछली का मुंह बड़े की तरफ खुलेगा। तो ये मैं उनको बताता था क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते थे कि बड़े की अलामत में ये खुला हुआ हिस्सा बताना है या ये बंद हिस्सा बताना है। तो इस तरह से बड़े की तरफ मछली का मुंह खुलता है। इस तरह से मैं कई सालों से समझाते आया हूँ, लेकिन इस बार जो किताब आई है उसके अंदर मगरमच्छ का मुंह बताया गया है, जबकि मैं अपने बच्चों को मछली का मुंह बताया करता था। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं एक हिंसी के साथ छोटा बड़ा अदद का मुकाबला, और एक हिंसी अदद का दो हिंसी अदद के साथ छोटे बड़े का मुवाजना। यहाँ पर एक हिंसी का एक हिंसी के साथ देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, यहाँ पर है पहले सवाल में 7 और 5, दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो हम पहले 7 को लेते हैं, 7 दायरे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर है 5, तो इसके सामने बिल्कुल 5 दायरे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 2 ज़्यादा है, यानी ये बड़ा है तो मछली का मुंह यहाँ पर खुलेगा। अगर हम यहाँ पर 2 और 3 का मुवाजना करते हैं तो 2 दायरे और इसके 3 दायरे, 1 2 3, यहाँ पर 1 ज़्यादा है इसलिए मछली का मुंह यहाँ पर खुलेगा। इसके बाद 6 और 8 हम लेते हैं, तो पहले 6 दायरे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8 दायरे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 2 दायरे ज़्यादा है इसलिए ये बड़ा अदद है, मछली का मुंह यहाँ खुलेगा। तो ये हो गया हमारा एक हिंसी अदद का एक हिंसी अदद के साथ मुवाजना। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक हिंसी अदद का दो हिंसी अदद के साथ मुवाजना, ठीक है। एक हिंसी अदद का दो हिंसी अदद के साथ मुवाजना, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ आपको दायरे भी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ पर एक हिंसा है यानी सिर्फ इकाई है, और यहाँ पर दो हिंसा है मतलब यहाँ पर इकाई भी है और दहाई भी है, यहाँ पर इकाई भी है और दहाई भी है, यहाँ भी इकाई भी है और दहाई भी है, और यहाँ पर सिर्फ इकाई है। तो इकाई से हमेशा इकाई और दहाई वाला बड़ा रहेगा, यानी कि एक हिंसी अदद से हमेशा दो हिंसी अदद बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक हिंसे दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो हिंसे दिख रहे हैं, मतलब दो हिंसे की तरफ मछली का मुंह खुलेगा। यहाँ पर भी एक हिंसा है, यहाँ पर दो हिंसा है, तो हमेशा मछली का मुंह दो हिंसे के पास खुलेगा। इसी तरह यहाँ पर है दो हिंसे, यहाँ पर एक हिंसे है, यहाँ भी मछली का मुंह जो है वो दो हिंसे के पास खुलेगा। इसी तरह अगर हम तीन हिंसी के साथ नहीं बल्कि दो हिंसे के साथ अगर मुवाजना करते हैं, तो यहाँ पर 3 हिंसे हैं, यहाँ पर 2 हिंसे हैं, तो 2 हिंसे छोटे में आएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इकाई और दहाई है, और यहाँ पर इकाई भी है, दहाई भी है और सैकड़ा भी है। तो यहाँ 3 हिंसी अदद है इसलिए मछली का मुंह यहाँ खुलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इकाई का इकाई के साथ मुवाजना करने में और इकाई का दहाई के साथ मुवाजना करने में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर आपको छोटा बड़ा गिन के देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीधा शॉर्टकट है, एक हिंसी है, यहाँ पर 2 हिंसी है, सीधे आपको 2 हिंसी की तरफ बड़े की अलामत लगाना है। और अगर दोनों बराबर हों, जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये बराबर की अलामत आएगी, इस अलामत को कहते हैं बराबर, इज इक्वल टू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।